हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे 2020 में बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर आया था यूपी बोर्ड का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 12th बोर्ड में जो पेपर हमारा होता है 70 मार्क का, उसमें 65 मार्क तक आने के हमारे चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि हमारी जो है प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर सॉल्व करने में कर लेने पे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है और सारी चीज़ें जो है निथर के साफ़ हो जाती हैं कि हम जो है कैसा लिख पाते हैं, कैसा कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें जो है जैसे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है उसमें जो है पहले के 15 मिनट आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। और आपको ये भी पता है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं, तो और ये पूरा 3 घंटे 15 मिनट में आपको करना रहता है। तो अगर हम जो है कि 12th बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर पिछले 5 साल का कर लेते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हम पिछले 5 साल का पेपर कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो जैसे कि हमने आपको पहले के भी पेपर और कराए हुए हैं 2019 के, और ये जो है 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है जो पिछले साल हुआ था। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे जो है कि ये जो है बहुविकल्पीय का ये जो क्वेश्चन थे वो मैंने सारे नहीं लिए हुए हैं, लेकिन बाकी जो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, जैसे कि व्हाट इज़ बायोपायरेसी 1 नंबर में पूछा है, तो ये सारे मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं बहुविकल्पी में 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 क्वेश्चन इसके लिए हुए हैं मैंने। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। जैसे कि अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो उसमें क्या होता है कि जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और जो एंडोस्पर्म होता है वो जो है 3n होता है, 3n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 36 हो जाएगा, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है अगर लीफ में, तो लीफ में आपको पता है कि लीफ में 2n होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म पौधे की बात कर रहे हैं तो लीफ में 2n होता है और भ्रूणपोष में आपको पता है 3n होता है। तो 2n अगर 24 है तो 12 × 24 है, बढ़ती हैं 36। तो ये हमारा क्वेश्चन का ये जो आंसर होगा वो 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरस्टीशियल क्याजमेटा किसमें पाए जाते हैं, यूनिवेलेंट्स में, बाईवेलेंट्स में, यूनियम बाईवेलेंट्स में, इनमें से। तो इंटरस्टीशियल जो क्याजमेटा है वो बाईवेलेंट्स में पाए जाते हैं। तो ये तो बहुविकल्पी का हमने 2 ही लिया हुआ है और 2 और थे जो कि नहीं लिया हुआ है मैंने। तो ये नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये व्हाट इज़ बायोपायरेसी, बायोपायरेसी क्या है। तो आपको पता है कि बोर्ड का जो पेपर होता है सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, तो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे उसमें आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को और लिख भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में ही ज़्यादातर कराए हुए हैं। तो व्हाट इज़ बायोपायरेसी, बायोपायरेसी क्या होती है, तो यह जो है 1 नंबर में पूछा है। 1 नंबर में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो शॉर्ट आंसर ही होता है, इसका 2 लाइन में भी क्वेश्चन का आंसर दिया तो चलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट इज़ बायोपायरेसी, बायोपायरेसी क्या होती है। बायोपायरेसी जो है 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, बायो प्लस पायरेसी। बायो मीन्स होता है लाइफ, एंड द पायरेसी मीन्स स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यूज ऑफ समवन बायो रिसोर्सेस विदाउट एनी सिस्टमेटिक परमिशन इज बायोपायरेसी, ठीक है। बायोपायरेसी वो होती है जब हम किसी के लिविंग रिसोर्सेज को चुरा लेते हैं बिना किसी परमिशन के, वो होती है बायोपायरेसी। तो इसमें 1 मार्क में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि बीटी कॉटन क्या होता है, बीटी कॉटन पे कमेंट करना है या फिर शॉर्ट नोट लिखना है। तो बीटी कॉटन जो होता है आपको पता है कि यह जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, बीटी कॉटन जो है
जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है कपास का प्लांट होता है, जो कि क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है पेस्ट से, एंड वेराइटी कॉटन वेराइटी है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है, विच प्रोड्यूस एन इंसेक्टिसाइड टू कॉम्बैट बोलवर्म्स। इसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट लग जाते थे और इसको खा लेते थे और इसके कॉटन को ग्रो नहीं होने देते थे, तो वो क्या होता है, अब क्या होता है कि इसको जो है सारे के सारे को जो है कि रेस्टेंस हो जाते हैं, तो इंसेक्ट जो है तीखा लगने के कारण खा नहीं पाता और इंसेक्ट डेड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 1 मार्क का शॉर्ट नोट का, ये है साइथियम इनफ्लोरिसेंस पे। तो साइथियम जो इनफ्लोरिसेंस होता है, इनफ्लोरिसेंस क्या होता है, इनफ्लोरिसेंस होता है फ्लावर्स का अरेंजमेंट। तो साइथियम जो होता है, साइथियम का प्लूरल साइथिया हो जाता है। तो यह जो है साइथियम एक फॉल्स फ्लावर होता है, फॉर्मिंग द इनफ्लोरिसेंस ऑफ प्लांट इन द जीनस यूफोरबियेसी। और यह जो साइथियम इनफ्लोरिसेंस है, यह यूफोरबियेसी में पाया जाता है। और यह जो साइथियम होता है वो कंसिस्ट होता है 5 रेयरली 4 ब्रैक्टियोल्स के, दीज आर स्मॉल और ये छोटे होते हैं, यूनाइटेड ब्रैक्टेट विच फॉर्म ए कप लाइक इनवॉल्यूकर। और यह जो है एक कप लाइक इनवॉल्यूकर बनाते हैं। तो ये होता है साइथियम इनफ्लोरिसेंस। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इसमें बीटी कॉटन क्या होता है ये हमने लिख दिया, साइथियम इनफ्लोरिसेंस क्या होता है ये भी लिख दिया। यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम का क्रोमोजोमल फॉर्मूला पूछा है, डाउन सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, तो ये बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क के हैं, और 2 मार्क के क्वेश्चन को हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। तो इसमें पूछा है हॉट स्पॉट डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ऑफ डार्विन, और तीसरा है डिफ्रेंसेज बिटवीन प्यूरिन एंड पिरामिडिन। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए कौन सा कराया हुआ है, तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए बायोडाइवर्सिटी इज ए बायोजियोग्राफिक रीजन विथ सिग्निफिकेंट लीव्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी डैट इज थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन हैबिटेशन। टू क्वालिफाई एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एन एरिया मीट 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, कंटेन एट लीस्ट, कोई भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, कोई भी ऐसा एरिया जिसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में रखते हैं, उसके अंदर जो है 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। वो जो है, वो जो एरिया है, तो वो जो एरिया है 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। पहला कंटेन, वहाँ पे कम से कम 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट होनी चाहिए जो कि वहाँ की इंडेमिक हो और वो कहीं भी और किसी अर्थ पे किसी और जगह नहीं पाई जाती हो। और दूसरा हैव लॉस्ट एटलीस्ट इतना परसेंट ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन, और उसका वहाँ पे जो पहले की जो कुछ डाइवर्सिटी थी उसमें कुछ लॉस्ट हो जाना चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट 70% का। तो इसमें 2 क्वेश्चन और थे 2 मार्क्स के, वो मैंने नहीं कराए हुए हैं, से कंट्रीब्यूशन ऑफ डार्विन और डिफरेंसेस बिटवीन बेसिस प्यूरिन एंड पिरामिडिन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस बाय मेकिंग चेकर बोर्ड, और उसके बाद है व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन
प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4 के, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ये 3 मार्क्स के हैं। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या डिफरेंस होता है, और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ये भी 3 मार्क में है, देख लीजिए, और ये भी 3 मार्क में है। उसके आगे का है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, उत्पादक एवं उपभोक्ता, जीवन एवं जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार एवं जीव संख्या का पिरामिड भी, और उत्पादक और उपभोक्ता में। तो चलिए देखते हैं हमने इसको किस तरह से कराया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला 3 मार्क में क्वेश्चन था वो है डिफरेंसेस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, व्हेन F1 प्रोजनी क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट, तो इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, इट इज़ द क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट और एन इंडिविजुअल्स जेनेटिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट इन ऑर्डर टू अचीव ऑफ स्प्रिंग विथ ए जेनेटिक आइडेंटिटी विच इज क्लोज टू दैट ऑफ द पेरेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें हमारा जो 3 मार्क के क्वेश्चन थे, इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोल्ड बाय मेनी डिफरेंट ग्लैंड एंड हार्मोन दैट दिस ग्लैंड प्रोड्यूसेज। ए ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइपोथैलेमस कॉजेज द नियर बाय पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स विच प्रॉम्प्ट द ओवरी टू प्रोड्यूस द सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए बायो फीडबैक सिस्टम विच मीन्स ईच स्ट्रक्चर एंड ग्लैंड इज अफेक्टेड बाई एक्टिविटी ऑफ द अदर्स। फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या फेजेज होते हैं, 4 मेन फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। एक है ये मेंस्ट्रुएशन, इसमें है फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन एंड द ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन इज द एलिमिनेशन ऑफ थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेजाइना। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंटेन ब्लड सेल्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। लाइनिंग अंदर की जो लाइनिंग होते हैं उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंड म्यूकस द एवरेज लेंथ ऑफ पीरियड इज बिटवीन 3 डेज एंड 1 वीक। ठीक है, द सैनिटरी पैड टैम्पॉन्स आर यूज्ड टू अब्सॉर्ब द मेंस्ट्रुअल फ्लो। बोथ पैड एंड टैम्पॉन्स नीड टू बी चेंज रेगुलरली एट लास्ट एवरी 4 आवर्स। यूजिंग टैम्पॉन्स हैज़ बीन एसोसिएटेड इंक्रीज रिस्क ऑफ द रेयर इलनेस कॉल्ड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो टैम्पॉन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉलिकुलर फेज जो होता है, द फॉलिकुलर फेज स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड्स विद ovulation prompted by the hypothalamus pituitary gland release follicle stimulating hormone. This hormone stimulates the ovary to produce around 5 to 20 follicle tiny nodular cyst which bead on the surface. Each follicle houses an immature egg. Usually only one follicle will mature into an egg while the other die. This can occur around day 10 to 28 day cycle. The growth of the follicle is stimulating the lining of the uterus to thicken in preparation of for the possible pregnancy. नेक्स्ट है ओवुलेशन, इसी का फेज है ओवुलेशन। ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ द मैच्योर एग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओवरी। दिस यूजुअली अकर मिड साइकिल अराउंड द वीक और बिफोर द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज डेवलपिंग फॉलिकल काजेज राइज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन रिकॉग्नाइज दिस राइजिंग लेवल एंड रिलीज ए केमिकल कॉल्ड द गोनाड्रोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस हार्मोन प्रॉम्प्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड to produce raised level of luteinizing hormone and LS and FSH. Within 2 days, ovulation is triggered by the high level of LS. The egg is
funneled into the fallopian tube and towards the uterus by waves of small hair-like projection. The life span of the typical egg is only around 24 hours. When you want to have a baby, you can improve your chance of getting pregnancy if you know about the ovulation and fertile window in the menstrual cycle. ल्यूटियल फेज क्या होता है और द कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये तो ऐसे नहीं पूछा है, लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसे पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो 3 मार्क में क्वेश्चन था वो था कि डिफरेंस बताना था प्रोड्यूसर में और कंज्यूमर में, और उसके आगे जो था जीव भार और जीव संख्या का पिरामिड था. तो यहाँ पर देखिए, प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं. कंज्यूमर वो होते हैं, इनके एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे. कंज्यूमर वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे हरे ग्रीन प्लांट से अपना भोजन लेते हैं. नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हमने पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास नहीं कराया हुआ है. जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है. इसमें भी 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं. प्लाज्मिड और फाज्मिड क्या होते हैं, हास्यकार रुधिराणु जो होता है, एनीमिया जो होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है. देखिए यहाँ पे भी इंग्लिश में है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, और बायोगैस उत्पादन में 6, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है. तो ये हमारा प्लाज्मिड हो गया. प्लाज्मिड क्या होता है और फाज्मिड क्या होता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को. नेक्स्ट हमने जो ये क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो एंड देयर कंट्रोल, जीन क्लोनिंग, पॉलन कल्चर एंड जीन थेरेपी. ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें 4 क ख ग घ है, और ये चारों जो है 3-3 मार्क्स के हैं. तो इसमें कुछ नहीं तो 6-6 लाइन आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो, पहले पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है. मॉस्किटो कॉज मोर ह्यूमन सफरिंग देन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड डाई फ्रॉम द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज एवरी ईयर. ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से ओवर 1 मिलियन पीपल जो है हर साल मारे जाते हैं. डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो के द्वारा जो डिजीज ट्रांसमिट की जाती है वो है मलेरिया, डेंगू, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वेस्ट निवाइली फीवर, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, फाइलेरियासिस, टुलरेमिया, डायरोफाइलेरियासिस हो गया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस हो गया, वेस्टर्न इक्यून इंसेफेलाइटिस, वेस्टर्न और वेनेजुएला इंसेफेलाइटिस, रॉस रिवर फीवर हो गया, बर्मन फॉरेस्ट फीवर, ला क्रॉस इंसेफेलाइटिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे डिजीज जो होते हैं वो मॉस्किटो के काटने से ह्यूमन बींग में होते हैं. नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट नोट लिखना था वो था जीन क्लोनिंग क्या है. तो जीन क्लोनिंग इज आल्सो नोन एज द मालिकुलर क्लोनिंग, रिफर टू द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग ए DNA सिक्वेंस ऑफ आइसोलेटिंग द DNA सिक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट. तो जीन क्लोनिंग क्या होता है, यह जो है मालिकुलर क्लोनिंग होता है. मालिकुलर क्लोनिंग मीन्स होता है कि DNA का जो सिक्वेंस होता है, जो हमारा इंटरेस्ट का DNA सिक्वेंस होता है, उसकी हम मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं, और द आइडेंटिकल कॉपीज आर द क्लोन, और इसी आइडेंटिकल कॉपीज को हम क्लोन कहते हैं. 1973 में स्टैनले कोहेन और अल्बर्ट बोयर ने डेवलप किया था टेक्निक टू मेक द रिकम्बिनेंट DNA ए फॉर्म ऑफ द आर्टिफिशियल DNA. जो रिकम्बिनेंट DNA होता है वो फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल DNA होता है. यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है DNA ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं, जिसको हम
जीन क्लोनिंग कहते हैं। ये ह्यूमन सेल है, जीन फॉर द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जो ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन है, अगर हमें ग्रोथ हार्मोन बनाना है तो ग्रोथ हार्मोन के जीन को हम जो है कट करके ले लेते हैं, और ये जो बैक्टीरिया का ये जो प्लाज्मिड होता है इसमें हम इसको इंजर्ट कर देते हैं। इंजर्ट करने के बाद जो है हम इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के सेल के अंदर रख देते हैं, और फिर ये यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करता है और जो है कि बहुत सारा जो है ग्रोथ हार्मोन जो है हार्मोन है उसको बनाता है, और फिर यहाँ से हम ग्रोथ हार्मोन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जीन क्लोनिंग से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जीन क्लोनिंग से हम किसी भी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, और उसको बनाने के बाद उससे जो भी प्रोडक्ट चाहिए हम वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो है पॉलन कल्चर। पॉलन कल्चर क्या होता है, या माइक्रोस्पोर कल्चर भी कहते हैं। पॉलन कल्चर को माइक्रोस्पोर कल्चर भी कहते हैं। यह एक टेक्निक है इन विच हैप्लॉयड प्लांट्स आर ऑब्टेंड। यह एक टेक्निक होती है जिसमें कि हैप्लॉयड प्लांट को हम ग्रो करते हैं और कहाँ से आइसोलेट करते हैं। विच हैप्लॉयड प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द आइसोलेटेड पॉलन ग्रेन। आइसोलेटेड पॉलन ग्रेन से हम ये प्लांट मींस के हैप्लॉयड जो प्लांट्स होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द आइसोलेटेड पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को हम आइसोलेट करते हैं किसी भी प्लांट से, और इसको जो है ग्रो करते हैं वाइल इन द एंथर कल्चर। जबकि एंथर कल्चर में हम क्या करते हैं, दोज आर ऑब्टेन फ्रॉम द पॉलेंस बाय प्लेसिंग एंथर ऑन ए सुटेबल सिंथेटिक कल्चर मीडियम। एंथर कल्चर में हम क्या करते हैं कि पॉलेंस को एंथर से आइसोलेट करते हैं और इनको जो है कि सुटेबल कल्चर में सिंथेटिक मीडियम पे रखते हैं। ऐसे कि क्या होता है कि हम जो है कि ग्रो कर सकते हैं हैप्लॉयड प्लांट से पूरे प्लांट को। नेक्स्ट है हमारा फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे है फ्लावर बर्ड्स। फ्लावर बर्ड्स यहाँ पे हम लेते हैं, इसको स्टरलाइज करते हैं इथेनॉल में। 70% इथेनॉल में है जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में वाशिंग इन द स्टरलाइज वाटर। उसके बाद हम इसको स्टरलाइज वाटर में जो है कि वाश करते हैं। उसके बाद हम जो है डिस्कार्ड फिलामेंट, इनके फिलामेंट को हम कट करके हटा देते हैं इंक्यूबेट एट 24 to 26 degrees Celsius 26 डे इन द डार्क फॉर द 3-4 weeks। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इनका कैलस बना के और इनका जो है कल्चर करते हैं, और इनसे हमें हैप्लॉयड प्लांटलेट्स जो है हमारे ग्रो हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एंथर कल्चर जो होता है, ऑफ एंथर कल्चर एंड पॉलन कल्चर, वो क्या होता है। ऐसे तो ये पूछा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाएगा तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, सम टाइम द होल आर द पार्ट ऑफ द जीन इज डिफेक्टिव आर मिसिंग फ्रॉम द बर्थ आर ए जीन कैन चेंज मैच्योर ड्यूरिंग द एडल्ट लाइफ। एनी ऑफ दिस वेरिएशन कैन डिस्टरप्ट द हाउ प्रोटीन आर मेड विच कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ प्रॉब्लम आर डिजीजेज। इन जीन थेरेपी क्या होती है। नेक्स्ट हमारा शार्ट नोट है कि जीन थेरेपी क्या होती है। साइंटिस्ट कैन डू वन ऑफ द सेवरल थिंग डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट। दे कैन रिप्लेस ए जीन दैट काज ए मेडिकल प्रॉब्लम विथ वन दैट डज नॉट एड जीन टू हेल्प द बॉडी टू फाइट ट्रीट डिजीज और टर्न ऑफ द जीन दैट आर काजिंग प्रॉब्लम। इन ऑर्डर टू इंजर्ट न्यू जीन डायरेक्टली इन टू द सेल साइंटिस्ट यूज ए वेहिकल कॉल्ड ए वेक्टर विच genetically engineered to deliver the gene. Viruses, for example, have a natural ability to deliver genetic material into the cell and therefore can be used as vector. Viruses में ये natural ability होती है कि वो जो है genetic material को किसी भी cell के अंदर पहुँचा सकते हैं, इसलिए हम जो है viruses का use करते हैं एक vector की तरह से। Before a virus can be used to carry the therapeutic gene into the human cell, however, it is modified to remove its ability to cause an infectious disease.
जीन थेरेपी कैन बी यूज टू मॉडिफाई सेल इनसाइड आउटसाइड द बॉडी. व्हेन इट्स डन इनसाइड द बॉडी ए डॉक्टर विल इंजेक्ट द वेक्टर कैरिंग द जीन डायरेक्टली इनटू द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज डिफेक्टिव सेल्स. इन जीन थेरेपी दैट इज यूज टू मॉडिफाई सेल आउटसाइड ऑफ द बॉडी ब्लड बोन मैरो अनदर टिश्यू कैन बी टेकन फ्रॉम ए पेशेंट एंड ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल कैन बी सेपरेटेड out in the lab. The vector containing the desired gene is introduced into these cells. The cells are left to multiply in the laboratory and are then injected back into the patient. They where they continue to multiply and eventually produce the desired effect. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखना है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ये 5 नंबर का है तो इसमें हमें कुछ नहीं तो 2 पेज लिखने होंगे. और राइट एन एसे एंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये भी 5 नंबर का है तो इसमें भी हमें कुछ नहीं तो 2 पेज लिखने होंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उस्थानीय व स्वस्थानीय एक्सीटू एंड इनसीटू एक्सीटू एंड इनसीटू बायो कंजर्वेशन क्या होता है. और नेक्स्ट है बी डी एन ए एंड जेड डी एन ए पे लिखना है. और यहाँ पे ठीक है तो हम देख लेते हैं. तो ये जो हमने इमेज जो है लिया हुआ है और उसके बाद जो है आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर होता है और इसमें जो है किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है. तो आप चाहेंगे कमेंट करें तो हम इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऐसे तो ये बहुत ही आसान है, इस फोटो को देख के भी आप इसको फोटो तो बनाना ही है बनाना और उसके बाद इसको लिखना है, यह 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा एसे ऑन द पॉपुलेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. यहाँ पे एक्सप्लोजन छूट गया है, पॉपुलेशन एक्सप्लो जन. तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है रिफर टू द रैपिड एंड ड्रामेटिक राइज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट हैज इनकाउंटर्ड ओवर लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स. तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 1959 मीन्स कि 60 के आसपास और से लेके 2000 के बीच में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है मीन्स कि 1960 में हमारा पॉपुलेशन 2.5 बिलियन था धरती पे, जो कि 2000 में 6.1 बिलियन पीपल तक पहुँच गया. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है किसे कहते हैं, नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन एन एरिया. इट इज रिफर टू द नंबर ऑफ पीपल लिव इन एन एरिया. इट इज ए मेजर इशू फॉर डेवलपिंग कंट्री. ऑल्सो द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग प्रॉपर मेजर टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम. बिसाइड इट जनरेट मैनी इशू इन द कंट्री दैट काज मैनी प्रॉब्लम फॉर द पीपल. और यहाँ पे मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिया हुआ है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है कि पॉपुलेशन जब बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ जाती है और एमें ह्यूमन बींग की, इट इज द सिचुएशन वेयर द इकोनॉमी इज नॉट कैपेबल ऑफ कोपिंग विथ द इंक्रीज डिमांड ऑफ इट्स पॉपुलेशन. जैसे किसी भी एरिया में जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन या पूरी धरती पे अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो है धरती जो है उनकी सारी डिमांड को पूरा नहीं कर पाती है, इसको हम जो है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इंक्रीज इन द बर्थ रेट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या फिर क्या होगा, ए डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्रोथ, हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, ये सारी चीज़ें रीजन बनती हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के. जो मेजर फैक्टर हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के वो क्या है, इलिटरेसी है, रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी, रिड्यूस इंक्रीज बर्थ रेट एंड एन इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. और मेजर रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज पॉपुलेशन, पावर्टी, इलिटरेसी, स्मॉल हेल्थ कंडीशन एंड द सेवरल अदर प्रॉब्लम्स हैं. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन
के क्या क्या कारण हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था एक सीटू कंजर्वेशन एंड द इन सीटू कंजर्वेशन। एक सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन इनडेंजर प्लांट और द एनिमल स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज कॉमनली नोन एज द एज इन सीटू कंजर्वेशन। तो इसको हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड एक सीटू कंजर्वेशन इज द रिलोकेशन ऑफ इनडेंजर्ड और द रेयर स्पीसीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू प्रोटेक्ट एरियाज इक्विप्ड देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। जब हम उसी एरिया में जहाँ का वो स्पीसीज है उसी एरिया में हम उसको रखते हैं तो वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, जबकि हम अगर उसको दूसरे एरिया में तो यह जो है एक सीटू कंजर्वेशन होता है। तो इस पे हमारा शॉर्ट नोट लिखना था। अगर हमें 3 मार्क्स में पूछता है तो इतना लिख सकते हैं और एग्जांपल दे के भी बता सकते हैं कि किस स्पीसीज को प्लांट और एनिमल के कौन से स्पीसीज को इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर रखा गया है और किसे किसे जो है इन एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा जो था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट और डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ये दोनों मैंने अभी नहीं कराया हुआ है। क्वेश्चन 9 में है डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है प्रयोग द्वारा पुष्टि कीजिए, तो ये भी मैंने नहीं कराया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस जो है कुछ बचे हुए हैं और ये बी डीएनए और जे डीएनए के बीच में जो डिफरेंस है ये भी नहीं कराया हुआ है, तो ये भी करा देंगे हम। तो जो बचे हुआ पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।